थोड़ी सी आज डिफरेंस एक्सपीरियंस लिया जाए। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। गैजेट्स की वीडियो देखते हो ना, आपको अलग अलग दिया जाता है, उसी के साथ मैंने एक और हम लोगों ने एक चीज ऑर्डर किया था, इंटरेस्टिंग से लग रहा था, मगर देखे क्या है, आपको भी दिखाया जाए। 3D होलोग्राम LED। लेकिन एक काम करते हैं, इससे पहले एक चीज दिखाता हूँ आपको। अब आप सोचोगे ये क्या है। वीवो X70 प्रो प्लस की वीडियो देखी होगी आपने, सोचा भी नहीं था कि ये शायद आज काम आ सकता है। काफी टाइम पहले की बात है, 3D होलोग्राम, ये 3D होलोग्राम की वीडियो देख रहे होंगे आप काफी सारी, फोन के ऊपर रख के इस तरह से मैंने देखा ही था, कभी ट्राई नहीं किया था। सोच रहा हूँ हल्का सा ट्राई करके देखें क्या। कोई भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक वगैरह हो उससे बना सकते हो कट करके आप बहुत ही आसानी से, और कट के ना कुछ ऐसा बनता है जो ये पहले से शेप बना हुआ था, एक्चुअली ट्रांसपेरेंट नहीं है, थोड़ा ब्लैक स्टोन है इसमें, थोड़ा कट करना पड़ेगा। We are pro bro. कुछ भी। So, 1, 2, 3, 4 इनको बस चिपकाना है आपस में ना। ये वाला गैप मुझे लगता है ना थोड़ा स्मॉल हो गया, देखते हैं काम करता कि नहीं। YouTube पे ना ऐसे काफी सारी वीडियो है होलोग्राम वाली। तो ये देखो, यहाँ से इसको सेंटर में रखेंगे ना, ये दिख रहा है शुरू हो गया। तो ये वाला कुछ इस तरीके से बनता है, ये देख सकते हो ना, ऐसे बेसिकली रिफ्लेक्शन का कमाल है ये। हमारा ट्रांसपेरेंट होता ना तो और बढ़िया दिखता, बट ये चीज टेक्निकली क्या ही है, आपको इतना ध्यान से अंधेरे में देखना पड़ता है तो वो स्वाद तो नहीं है, बट एक फ्री का टाइम पास सीखने वाला रिफ्लेक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। अब इसका नंबर है 3D होलोग्राम LED हाई डेफिनेशन 1080p 10। ये हाई डेफिनेशन वाला नहीं है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन वाला है, ये मे भी हाई डेफिनेशन में भी आता होगा। खैर ओपन कर लेते हैं भाई, सबसे पहले मैनुअल, ये है मेन हमारे पास गैजेट। ओ भाई बाहर आ जा। ओके तो ये कुछ ऐसे घूमने वाला है मोटर से, आई एम श्योर। इसके ऊपर ध्यान से देखोगे बहुत छोटी 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 यहाँ से यहाँ तक काफी सारी वो LED स्ट्रिप टाइप आती है ना, वो लगी हुई है। यहाँ पे इसका कंट्रोलर वगैरह पूरा सिस्टम बनाया हुआ भाई पीछे से, और ये यहाँ से वॉल वगैरह में लगाने के लिए है, और साथ में अडेप्टर है इसका, माइक्रो SD कार्ड रीडर टाइप दे रखा है, और यहाँ पे कंट्रोलर के लिए 2 बटन है। ओके यहाँ पे लाइट भी जल रही है, और ये वॉल माउंट वगैरह के काम आता है। SD कार्ड यहाँ है, ये आ गया बाहर। इसी के अंदर सॉफ्टवेयर भी आता है इनका भाई, अगर फॉर्मेट कर दिया तो हमने इसे भाई वायरस ना हो, डिफरेंट सा है ना फोन से, तो थोड़ा सा लग रहा है, मजा सा आ रहा है, देखें क्या है। ओके तो ये इनका सॉफ्टवेयर भाई। ओके भाई ये तो घूमने लग गया लगाते ही, थोड़ा सा रिस्की है, मतलब अगर किसी बच्चे वगैरह को दे दो तो मतलब मुंह पे लग सकता है यार ये। ओ एक दिक्कत नहीं है, इसको हम कहीं पे लगाएंगे तो एक नॉइज करेगा ना, क्रिएट करेगा नॉइज। पहला पार्ट होली से पहले था, ये पार्ट होली के बाद। वैसे काफी लोग पूछ रहे थे Asus 8Z के बारे में, बहुत ज्यादा डिमांड तो नहीं थी लेकिन हैंडी फोन है, आई नो थोड़ा प्राइस वगैरह बहुत लेट आया है, जल्द बताएंगे कैसा है। बहुत सारे फोन आ रहे थे और रोज रोज फोन करके ना माइंड की ना मतलब दही बन जाती है, इसीलिए गैजेट सीरीज की वीडियोस या डिफरेंट गैजेट बहुत जरूरी है लाइफ में, तब लगता है कि कुछ हम काम कर रहे हैं। और काम करने से याद आया मुझे, कुछ नकली लोग काम तमाम कर रहे हैं। मैंने अभी भी क्या देखा, ट्विटर पे मुझे पता लगा कि स्कैम चलाए जा रहे हैं। ID नेम है ज्ञान थेरेपी 324, ये नकली मेरे नाम से गिव अवे बांटता है लोगों को। वैसे तो हमने इसको एक वार्निंग मैसेज दे दिया है, आप लोग याद रखना मैं अभी की डेट में ज्ञान थेरेपी नाम से यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक और ट्विटर पे हूँ, इसके अलावा कहीं नहीं, और सिर्फ ज्ञान थेरेपी नाम है, उसके आगे 123 _ ये ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसको भाई हमने जब टेस्ट किया तो ये लाइट बंद करो, ये वाली भी, तो कुछ ऐसा सा दिखता है। इवन इसको परफेक्टली देखने के लिए पता क्या, तो हमारे पास ब्लैक बैकग्राउंड नहीं है तो हम लोग ना ये TV के डिस्प्ले यूज करेंगे, जहाँ पे एकदम ये ट्रांसपेरेंट लगेगा और ये पूरा इस तरीके से दिखता है। एक मिनट, ये जो बीच में आपको सर्कल सा दिखाई दे रहा है ना ऐसे ऐसे, जैसे किसी बाइक के अलॉय व्हील चलते हुए दिखाई देते हैं, ये इस पे अभी मैं बात करने वाला हूँ। अब इसके अंदर आप नॉर्मल फोटो वीडियो PNG GIF ये सारी फाइल्स को अपलोड कर सकते हो। ये है बचपन का प्यार मारियो ये पहले से आया था, और ये यहाँ पर देखने पे पता नहीं आपको कैसा लग रहा होगा, बट रियल में देखने पे अगर पीछे बैकग्राउंड ब्लैक होगा ना तो ट्रांसपेरेंट सा लगता है, इसके ब्लेड्स नॉर्मली नहीं दिखाई देते, और अगर आपका रूम में आर्टिफिशियल लाइट है, सिंगल लाइट है ट्यूबलाइट की, तो भी नहीं दिखता। आप जैसे यहाँ सेटअप की लाइट बहुत सारी लाइटें लगा दोगे तो ध्यान से देखने पे ब्लेड्स दिखते हैं, ध्यान से देखने पे, बट एक नजर में नहीं ध्यान जाता। अब इसमें एक चीज है, जैसे अभी एंड हुआ ना तो दोबारा स्टार्ट हो जाता है पूरा एनिमेशन, तो जितनी देर का आपका एनिमेशन वीडियो जो भी है ना उतनी देर तक ये शो करेगा। अगर सिंपल फोटो है तो कंटिन्यूअस शो होता रहता है, और ये काफी कमाल सा लगता है क्वालिटी, क्योंकि ये SD है स्टैंडर्ड डेफिनेशन, सुपर हाई क्वालिटी का नहीं है ये। जैसे मैंने काफी सारे डाउनलोड किया, इसका बैकग्राउंड ब्लैक है ये सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, इसका बैकग्राउंड व्हाइट है,
जैसे मेरी फोटो है, इसका बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है ना, साइड में थोड़ा ब्लू ब्लू है। जो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला होगा ना, वो ज़्यादा मस्त लगता है। फोटो का साइज, सर्कल में एरिया सेलेक्ट करना होगा आपको, जो भी साइज सेलेक्ट करना है। इस सर्कल को हम लोग छोटा बड़ा कर सकते हैं अपनी मर्जी के ऊपर। तो मैं इतना सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, इस मेमोरी कार्ड में पेस्ट कर देना और बस प्लग एंड प्ले। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जैसे हमारी फोटो बार बार रिपीट होकर वीडियो दिखती है, 30 FPS में 30 फोटो होती है जो एक सेकंड में फास्टली मूव होती है, तो आपको वीडियो फॉर्म में दिखाई देती है। जैसे मैं वीडियो दिख रहा हूँ, एक्चुअल में कैमरा तो फोटो ले रहा ढेर सारी। बस इसी तरीके से वीडियो को इसमें मतलब एक तरीके से ऐड कर देना है। डेफिनेटली क्वालिटी मेरी वीडियो की जो ओरिजिनल थी उससे डाउन हुई है, लेकिन हाँ आपको समझ में आता है वीडियो में क्या चल रहा है, सब कुछ अच्छे से। और मल्टीपल फाइल कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे देखोगे इट डिपेंड्स कि कितनी देर की आपकी मतलब जो वीडियो है या फिर जो PNG फाइल आपने लगाई है या फिर जो भी मतलब आपने GIF फाइल लगाई है, उस टाइम के हिसाब से देखो ये अपने आप चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर लेकिन एक चीज बताता हूँ आपको, यहाँ पे आप देख रहे हो ना ये लाइंस दिख रही है बीच में ब्लैक ब्लैक, ये रियल लाइफ में नहीं दिखती, ये कैमरा की सेटिंग रूम के हिसाब से मैंने किया हुआ तो ये दिख रही है। अगर मैं चाहूँ इसका शटर स्पीड को मैनेज करने की कोशिश करूँ तो ये लाइन कम हो जाएंगी, लेकिन क्योंकि ओवर एक्सपोज सा दिखने लग जाएगा, रियल लाइफ का आपको पता नहीं लगेगा। रियल लाइफ में तलवार जैसी लाइनें आ रही ना बीच बीच में, ये शटर स्पीड और कैमरे की वजह से है, ये ऐसे नहीं दिखता, बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से दिखाई देता है और कलरफुल होगा और सब कुछ काफी अच्छे से काम करता है। बट अब मैं कुछ चीज़ें समझाता हूँ इसमें जो मुझे पसंद नहीं आई। पहला, इन फोटोज़ को हम ना भी मैनुअली नहीं चेंज कर सकते अपनी मर्जी से जब चाहें, ये ऑटोमेटिक ही जैसे मैंने कहा टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है। यहाँ पर सिर्फ इसको ऑन ऑफ करने का है, एक बटन से स्टार्ट हो जाएगा, एक से स्टॉप। काश इसमें ऐसा कुछ सिस्टम होता कि मैनुअली हम इसको चेंज कर सके फोटोज जितना हमने मल्टीपल लगाया, ऐसा कुछ नहीं है। और तीसरा भाई, ये 14,000 रुपये का है, 14,000 का हमने ऑर्डर किया था गैजेट्स के साथ। 14,000 में मैं एक स्मार्टफोन ले सकता हूँ, मैं एक प्रोजेक्टर ले सकता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो, क्योंकि बहुत ही बड़ा अमाउंट है भाई। लेकिन हाँ, ये पर्टिकुलर चीज़ों में काम आ सकता है, जैसे शोरूम में लगा दिया कोई चीज़ प्रेजेंट करना हो, शॉप पे नाम को दिखाना हो आपको, डेकोरेशन में भी यूज़ किया जा सकता है इस तरीके से ही। मतलब ये पर्टिकुलर पर्पस के लिए है, ना कि नॉर्मल यूजर के लिए, नॉर्मल कंज्यूमर के लिए तो बिल्कुल नहीं है। घर में भी इतना अच्छा नहीं लगेगा, एक तो ये आवाज़ भी करता रहता है फ़ैन की तरह, लेकिन 3D नहीं है ये, इसको आप साइड से देखोगे तो फिर नहीं दिखेगा। बट हाँ, कोई चीज़ जब मूव करती है तो ऐसा लगता है कुछ 3D टाइप चल रहा है, जैसे ये मारियो वाला दिखाया था मैंने आपको। एक फ़ायदा तो हुआ भाई, आप लोग गैजेट सजेस्ट करते हो ना, वहाँ से कई बार अजीब अजीब चीज़ें दी जाती है मुझे, जो कि मतलब मुझे पता लगता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, आपको भी पता लगता है। बस यही था इस वीडियो में, मुझे लगता है मोस्टली लोगों के काम का था। आपको कैसा लगा वीडियो, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।